अस्सलाम असलम मैंने मिस रोशनी राव एंड वेलकम टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम एम जी टी फाइव जीरो वन के जी डी बी के हवाले से डिस्कशन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको पूरी फाइल बनाकर दे दूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला मैं आपको प्रॉपर वो रास्ता बता दूँगी जिसके ऊपर चल के आप अपना जी डी बी खुद क्रिएट कर सकते हो टॉपिक्स निकाल के दूँगी हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगी उसके बाद भी कोई ना कोई अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर कर दूँगी आप देख सकते हैं अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आपके पास दो तरीके हैं एक तो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट करो

की तीन दिसंबर को और क्लोजिंग डेट है इसकी नाइन्थ दिसंबर मतलब कभी अभी दिन मौजूद है सिनेरियो हमें क्या दिया गया है हमें बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एम्प्लॉयज़ टोटल हैं ट्वेंटी टू दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास फिफ्टी टू एम्प्लॉयज़ हैं तीसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास सिक्स फिफ्टी हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और, में उनके बेसिक तीन फंक्शंस हैं अट्रैक्शन डेवलपमेंट एंड रिटेनिंग मतलब कि इम्प्लॉय को पहले तो रखना स्टाफिंग करना उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करना और उसके बाद उन्हें रोक के रखना आप सकते हो, किसी भी तरीके से उन्हें रोक कर रखना अब वो पूछ रहे हैं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन

ये है हमारे पास इलेवन और इसके ऊपर उन्होंने एच आर इन स्मॉल बिजनेस एच आर इन मीडियम साइज फर्म एंड एच आर इन लार्ज साइज फर्म को डिस्कस किया हुआ है आपका काम सिर्फ इतना सा है आपने इन तीनों के दरमियान का डिफरेंस वहां पर बता देना है तीनों के का डिफरेंस मैं आपको एक लाइन में समझा देती हूँ जब आपके पास एक छोटा सा बिजनेस है तो एचआर का पूरे का पूरा डिपार्टमेंट या तो ओनर या फिर उसका मैनेजर जो है वो हैंडल कर रहा होता है एच आर के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता जब मिडिल साइज फर्म होती है तो क्या किया जाता

पांचों को ऊपर से कर रहा होता है एक सिंगल एचआर मैनेजर क्लियर हो गया तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया आपने सिंपली इसको अपने वर्डिंग के अंदर चाहो तो चाहो हैंड आउट्स के अकॉर्डिंगली चाहे इसके अकॉर्डिंगली बट वर्ड टू वर्ड मत लिखिएगा अपनी वर्डिंग के अंदर आपको लिख देना है और ये एक बात याद रखिएगा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना आपने क्यों क्योंकि इसके अंदर आपके पास रिस्ट्रिक्शन मौजूद है आपको 100 से 150 वर्ड्स तक जो है अपना आंसर बनाना है इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि मार्क्स कट भी सकते हैं बिला वजह की डिटेल्स डालने की वजह से आपका फोन स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए फ़ोन साइज आपका ट्वेल्व होना चाहिए आप चाहो तो एम वर्ड के ऊपर लिखो और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो चाहो तो इसी जो उनसे आपके पास जो टूल मौजूद है उसी के अंदर लिख लो कोई इशू नहीं है होपफुली अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं पांच नंबर की जी है इसलिए बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से आपने सॉल्व करना है इनके मार्क्स जो उनसे हैं वो आपके फाइनल टर्म्स में डलते हैं परसेंटेज वहां पर ऐड की जाती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा अल्लाह हाफिज़